इंद्री के राधा स्वामी सत्संग घर में बना होम शेल्टर प्रवासी मजदूरों के लिए आशियाना साबित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से भेजे गए इन मजदूरों की सेवा में सत्संग कमेटी के सदस्य दिन रात लगे हुए हैं। वहीं BDPO अंग्रेज मोर शेल्टर होम शेल्टर पहुंचे और सुरक्षा व्यवहार का जायजा लिया। इस दौरान BDPO ने प्रवासी मजदूरों से बात कर खाने की व्यवस्था की जानकारी ली और रसोई घर को भी जांचा। यहां आपको बता दें कि सत्संग घर कमेटी द्वारा की गई उचित व्यवस्था को BDPO ने काफी सराहा। इस मौके पर सत्संग घर कमेटी के सचिव कृष्ण वर्मा, जोगिंदर सिंह डोडा, प्यारेलाल, सूरज कुमार, राम अवतार सेवादार मौजूद रहे। BDPO अंग्रेज मोर का कहना है कि होम शेल्टर में करीब 74 प्रवासी ठहरे हुए हैं, जिनमें 3 महिला और 2 छोटी बच्चियां भी शामिल है। ये शरणार्थी बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो पाटना, जालंधर और चंडीगढ़ में काम करते थे। इससे पूर्व सभी शरणार्थी कमोपुरा कम्युनिटी सेंटर में ठहरे हुए थे, जिन्हें प्रशासन के आदेश पर इंद्री के राधा स्वामी सत्संग घर में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोगों को ठहराया गया, कहाँ से आए थे ये? अपना जो जिला स्तर पर जो शेल्टर होम बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ये वहाँ पे बंद आए हुए थे। वहाँ पे ज़्यादा लोग होने की वजह से, ताकि अव्यवस्था ना हो, तो इसलिए इनको इंद्री प्रशासन के हवाले कर दिया गया था। इंद्री प्रशासन द्वारा यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो डेरा है, वो शेल्टर होम बनाया गया है। और इसको शेल्टर होम बनाने के लिए यहाँ की संचालन टीम ने अपने आप ही हमें ऑफर दी थी कि हमारे डेरे को ही यहाँ का वो शेल्टर होम बनाया जाए, ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। हम इनके सेवा भाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इनको सबको ठहरा रखा है। समय समय पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। राशन का इनका अपना रसोई भी आप लोगों ने देखी है, मैंने भी देखी है। बहुत अच्छी तरह से खाना, साफ़ सुथरा खाना दिया जा रहा है इनको। और नहाने के लिए लेडीज़ के लिए अलग से प्रबंध है, जेंट्स के लिए अलग से प्रबंध है, क्योंकि इनमें 3 लेडीज़ हैं और 5 बच्चे भी हैं, तो सभी को अच्छे तरीके से रख रहा है। मैं तो संचालन यहाँ की राधा स्वामी डेरा सत्संग की जो संचालन टीम है या जितने सेवक हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये लोग इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर टाइम टू टाइम आती रहती है और चेक करती रहती है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी समय कोई समस्या आती है तो फौरन ये फोन के ऊपर ही यहाँ पे डॉक्टर टीम पहुँच जाती है। किसी को कल कोई दिक्कत आई थी, वो पता लगा? हाँ, एक को बता रहे थे थोड़ा पेन था, उसको उसी टाइम डॉक्टर ने आके दवाई दे दी थी। करनाल भी कोई रेफर किया गया? करनाल कल एक उसी जिस टाइम ये 75% यहाँ आए थे, उसी टाइम एक को फीवर था, चेक करते हुए यहाँ पे फीवर नजर आया, उसको कल्पना चावला भेज दिया गया था। मैं डॉक्टर विकास खिचड़, कलसोरा VS, यहाँ पे सुपरवाइज़र के रूप में मेरी ड्यूटी है। और राधा स्वामी सत्संग भवन में जो माइग्रेंट्स आए हुए हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ की हेल्थ चेकअप व्यवस्थाएं और सारी पूरी तरीके से दुरुस्त हैं, और खाने पीने की व्यवस्था बेहतरीन है इनकी, कि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से मरीज़ों को अटेंड किया जा रहा है, इनको जो भी माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनको। और ये जल्दी ही मतलब और भी आए तो इनकी यहाँ पे और यदि माइग्रेंट्स आते हैं तो उनकी भी भरपूर रूप से व्यवस्था की गई है। लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे कि कोरोना एक जैसे मतलब इंटरेक्ट होने से ज़्यादा फैलती है, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का उनको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी पूरी तरीके से ये मेंटेन की जा रहा है, एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग से व्यवस्था उनकी की गई है। तो उनको आगे के लिए यही है कि जो भी और माइग्रेंट्स भी आएंगे तो उनके लिए हम सैनिटाइजेशन की और भरपूर व्यवस्था है, तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आगे से आगे ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी यहाँ पे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.